तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि हाँ, मतलब कि 10 बाई 10, अगर आपका 10 बाई 10 का छत है, 10 फिट लंबा और 10 फिट चौड़ा, है ना, 10 फिट लंबा जो कि यूनिट फिट में है और 10 फिट चौड़ा, इसमें आपका मटेरियल कितना लगेगा? जैसे कि इसमें सीमेंट कितना लगेगा, इसमें बालू कितना लगेगा, इतना इसमें गिट्टी कितना लगेगा, इसमें आपका सरिया कितना लगेगा, इसमें लेबर कितना, ये सब फाइंड आउट करने हैं, करने वाले हैं। तो ये 10 बाई 10 का देखिएगा, एक दोस्तों छत है जिसकी ढलाई होनी है, तो इसमें क्या मटेरियल लगेगा वो आज हम बात करेंगे। तो 10 फिट तो ये ऐसा होगा और 10 फिट ऐसा होगा और 5 mm, सॉरी 5 इंच हम इसकी मोटाई लेकर चलेंगे, 5 इंच इसकी मोटाई लेकर चलेंगे। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसमें कितना सारी चीज़ें लगती हैं। तो अगर हम इस पे बात करें तो सबसे पहले देखिएगा, इस पे हम जो कैलकुलेट करेंगे वो मैंने देखी पूरी एक टेबल बनाकर रखी है आप लोगों के लिए। 100 स्क्वायर फिट छत ढलाई में कितना मटेरियल लगेगा ये हम आपको समझाने वाले हैं। तो पहले अगर कैलकुलेट करें बालू को, हम सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे फर्स्ट स्टेप है कि आपका बालू कितना लगेगा। तो अब देखिएगा, यहाँ पर 2 यूनिट लिखेंगे, 7 प्लस 18, तो मैं यहाँ पर मैंने 2 क्यों लिखी है, जब आप दोस्तों रूम बनाएंगे ना तो उसमें चारों तरफ बीम भी होगा। मैंने छत का एरिया केवल 10 बाई 10 लिया, बट बीम भी तो आसपास पड़ेगा ना, 4 बीमें पड़ेंगी, तो उस पर तो जो इधर यूनिट लिखी है वो बीम में लगा मटेरियल है, और जो इधर देखिए मैंने लिख भी रखा है बीम प्लस छत, तो इधर वाला मटेरियल सारा बीम में लगेगा आपका, इधर छत में लगेगा, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपका लास्ट में आएगा। तो बीम में लगभग 7 और छत में 18 CFT क्यूबिक फिट में दोस्तों यहाँ पर मैंने मटेरियल लिखा है। तो टोटल बीम में 7 क्यूबिक फिट लगभग आपका बालू लगेगा और छत में 18 क्यूबिक फिट बालू आपका लगने वाला है। तो अब इसके बाद अगर इसके रेट की बात करें तो 18 और 27 25 क्यूबिक फिट तो आपकी क्या हो गई, बालू। अब आप मेरे यहाँ अगर बात करें तो इस समय जो प्रेजेंट में मैं जो वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ दोस्तों, आज 22 जुलाई है और सॉरी 22 अगस्त है, और 22 अगस्त को 55 रुपये क्यूबिक फिट आपका बालू का रेट चल रहा है, तो मैंने वही यहाँ पर रेट लिखे। तो 25 क्यूबिक फिट आपको बालू की आवश्यकता हुई, 55 रुपये की, 55 रुपये क्यूबिक फिट पड़ रहा है, तो टोटल आपका जो बालू लगेगा 1375 रुपये का लगेगा केवल बालू। वहीं बात करें सीमेंट की, तो सीमेंट की अगर बीम में बात करें तो 4 बैग आपके बीम में लग जाएंगे प्लस 9 बैग आपके छत में लग जाएंगे, तो लगभग जो बैग, ये सारी यूनिट के इसमें बैग है, सीमेंट आपको बैग में मिलती है, तो टोटल आपके 9 4 और 9 क्या होगा, 13 13 बैग आपकी सीमेंट लगेंगे। अभी जो प्रेजेंट में दोस्तों आप क्या हो सकता है, वेरी कर रहा हूँ, मेरे यहाँ 400 रुपये बैग अप्रॉक्स सीमेंट पड़ रहा है, आपके यहाँ हो सकता है 380 रुपये पड़ रहा हो, तो यहाँ पर 400 की जगह आप 380 रुपये लिख देंगे, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे हिसाब से 5200 रुपये की सीमेंट यहाँ पर लगेगी, है ना। अगर आपका 380 तो थोड़ा सा यहाँ पर आपका कम हो जाएगा, अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। इसके बाद गिट्टी की बात करें कि आपको दोस्तों गिट्टी कितना लगेगा, देखिए 14 क्यूबिक फिट आपका बीम में प्लस 35 क्यूबिक फिट आपका छत में, तो टोटल हो जाएगा 49 49 क्यूबिक फिट आपकी लगेगी गिट्टी। मेरे यहाँ दोस्तों 50 रुपये क्यूबिक फिट गिट्टी मिल रही है, तो टोटल 2452 रुपये 2450 रुपये की गिट्टी लग जाएगी मेरे यहाँ, ठीक है ना, कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा मैं आशा करता हूँ। इसके बाद बात करते हैं सरिया का, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, सरिया कितने का लगेगा। तो देखिए सरिया आपका मैं पहले समझा देता हूँ सरिया कैसे कैलकुलेट करना होता है। देखिए सरिया कुछ लोग 9 इंच पर डालते हैं दूरी, सरिया के बीच की दूरी, कुछ लोग 8 इंच पर डालते, बट मैंने यहाँ कैलकुलेट किया 6 इंच, ठीक है। तो 10 फिट है, अगर 6 इंच पर आप सरिया डालेंगे तो 20 सरिया आपकी इधर लग जाएगी, है ना, और जब आप ऐसे ऐसे डालेंगे ना तो 20 सरिया लग जाएगी, अगर 6 इंच दोनों के बीच में दूरी होगी, और 20 सरिया ही इधर जो जाल बनता है ना, 20 सरिया इधर भी, तो टोटल 40 सरिया यहाँ पर लगेगी, अभी ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो छत की हमने कैलकुलेट की है, अब हमें बीम में भी तो सरिया पड़ेगा ना, तो बीम का भी कैलकुलेट करना है। जो इधर वाली बीम होगी इसमें 4 सरिया पड़ेगा, इधर वाले में भी 4 पड़ेगा, साइड वाले में भी 4 और इधर वाले में भी 4, तो 400 को 16 16 सरिया लग जाएगी आपकी बीम में। ये तो छत में लग गई, ये लग गई दोस्तों बीम में, कैलकुलेशन समझ में आया। अब दोस्तों सरिया की हमें लंबाई देखिएगा, हमें लंबाई एक सरिया लगभग 40 फिट की आती है आपको पता है, तो यहाँ पर लेकिन जो सरिया पड़ रही वो 10 फिट की ही तो पड़ रही ना, तो एक सरिया 40 फिट की होती है तो उसमें 4 टुकड़े बन जाएंगे, है ना, एक सरिया में,
तो कुल मिला के 40 टुकड़े आपके पड़ने वाले हैं सरिया छत में और 16 टुकड़े पड़ने वाले हैं बीम में। तो अब इनको कैलकुलेट कर लेना है कि कितना आपका यहाँ पर सरिया लगेगा। तो जो 40 सरिया है इसमें आप 5 सरिया इसका बन जाएगा ना, सॉरी 10 सरिया इसका बन जाएगा। तो छत में जो सरिया लगेगा, जो छत में दोस्तों सरिया लगेगा 10 सरिया पूरा, है ना, ध्यान रखना है सरिया दोस्तों मैंने यहाँ पर 12 mm की कैलकुलेट कर रहा हूँ। और इसके बाद जो बीम में आपकी सरिया लगेगी वो लगेगी 4, ये भी 12 mm की सरिया ही है, ठीक है। तो टोटल आपकी 14 सरिया लगेगी। ये समझ में आ गया कैलकुलेशन कैसे करना है। अब हम फिर से अपने पुराने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है सरिया, तो 4 सरिया आपकी बीम में लगेगी, 10 सरिया छत में, जो कि 12 mm की मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन किया है। 12 mm के दोस्तों जो एक सरिया का वेट होता है ना, क्योंकि सरिया देखिए केजी में मिलता है तो हमें वेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 14 सरिया टोटल हो गई, तो एक सरिया लगभग 10 किलो की होती है अप्रॉक्स में दोस्तों। कहीं पर थोड़ा कम ज़्यादा भी होता है, बट मैंने अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू ली, इसका विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ पर आपका 140 किलो सरिया हो जाएगी। अभी सरिया हमारे यहाँ दोस्तों है जो 55 रुपये पर केजी पड़ रही है। अगर आपके यहाँ कम या ज़्यादा हो तो यहाँ पर उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। मेरे यहाँ 55 रुपये पर केजी, तो 7700 रुपये की, 7700 रुपये की सरिया लगेगी। अब ये तो कैलकुलेट कर लिया मटेरियल इतने, इसका लेबर कॉस्ट अभी हमें फाइंड आउट करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबर कितने का लगेगा। देखिएगा मैंने यहाँ पर जो कैलकुलेशन किया है केवल छत का किया है, 100 square feet की छत है ना, बट बीम का भी तो एरिया वो कैलकुलेट करेगा ना, बीम का भी एरिया। तो 40 square feet के अप्रॉक्स बीम हो जाएगी, तो 140 को यहाँ कैलकुलेट करिएगा। मैंने केवल 100 का ही किया है, अगर 140 का करेंगे, चलिए मैं 140 का ही कर देता हूँ। और लगभग मेरे यहाँ जो लेबर कास्ट है जो दोस्तों छत ढलाई का 55 रुपये square feet लेती है, 55 रुपये छत ढलाई का लेती है, तो 140 का हमें मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 55 में, तो 7700 रुपये, जो मैंने 5500 लिखा था क्योंकि मैंने वैल्यू कम किए, तो 7700 रुपये आपकी टोटल वैल्यू आएगी। अब अगर हम इन सभी को कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आपका, आप कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, सबसे पहले 1375 रुपये प्लस 5200 प्लस 2450 रुपये प्लस 7700 रुपये प्लस फिर से 7700 रुपये, है ना। तो टोटल 24,000, ये वैल्यू पहले के अकॉर्डिंग लिखी, टोटल वैल्यू आएगी 24,425 रुपीस, है ना। तो आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा कि आपको बालू कितना लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा, गिट्टी कितना लगेगा, सरिया लेबर वगैरह कितना लगेगा, और उसकी कॉस्ट भी हमने फाइंड आउट कर दी। मतलब 10 बाई 10 का अगर आप छत, 10 बाई 10 फिट मतलब 100 स्क्वायर फिट की छत ढलाई कर रहे, तो लगभग 24,425 रुपये की कॉस्ट आपको लगने वाली है। तो हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल स्मार्ट हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। ज़्यादा डिटेल के लिए दोस्तों मैं ये टेबल अपने आर्टिकल पर लिख दूंगा, मेरा जो वेबसाइट है वहाँ पर इसे पूरा लिख दूंगा, तो वहाँ पर भी जा करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।